एवरी वन आई होप यू ऑल आर गुड और आज है मेरा कॉलेज डे इसलिए मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अपने लिए और अम्मी के लिए सुबह का नाश्ता मैं कभी मिस नहीं करती चाहे मुझे जितना भी लेट हो जाए मैं एटलीस्ट चाय बिस्किट खा लेती हूँ लेकिन खाली पेट कभी नहीं निकलती आप लोग भी खा कर निकला करो बाहर निकलने के बाद मैंने एक मास्क लिया क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज थी ना कि मतलब फेस झुलस जाता है मेरी गर्मी से जाने के टाइम पे वो स्टाइल मार के जाती हूँ लेकिन आते आते कोई सनस्क्रीन जितना भी एस का हो वो इतनी देर तक काम नहीं करता है थोड़ी देर में मेरा फेस ऑलरेडी रेड हो चुका है एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टूडे कॉलेज जाने में दो बस चेंज करने पड़ते हैं उसमें से मैंने एक ले लिया है और एक यहाँ से लूँगी तो ये वाला ज़्यादा लंबा जर्नी हो जाता है तो ये कौन सी जगह आप मुझे कमेंट करके बताना अगर पता है तो एंड थोड़ी तो देर में आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सी जगह मैं बता दूंगी तो आपको मैं बता रही हूँ कि धूप कितनी ज़्यादा है और अभी मैं बता रही हूँ आपको कि नौ बज रहे हैं सुबह के तो मैं नौ बजे से पहले निकल जाती हूँ अगर मुझे ग्यारह वाल ग्यारह बजे वाली क्लास अगर ज्वाइन करनी होती है तो मैं मुझे नौ बजे से पहले निकलना होता है एंड देख सकते हो कितनी कड़ी धूप है तो मैं मन ही मन में बस दुआ करी थी कि अल्लाह शाम तक वेदर अच्छा हो जाए यहाँ पे लोग छाता लेकर सर में रुमाल दे कर, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गर्मी में सब जाते हैं मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है कि लोग इतने ज़्यादा मेहनत करते हैं एंड अभी तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो ये कौन सी जगह है तो ये केसीदास जगह है आ, तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे बस बिल्कुल खाली मिल जाता है मुझे मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं ही पहली पैसेंजर होती हूँ बस की एंड मैं अपना पसंदीदा सीट आकर ले लेती हूँ उसके बाद सारे पैसेंजर्स ज्वाइन करे होते हैं और धीरे धीरे इतना ज़्यादा रश हो जाता है ना कि बस में जगह हो ना हो सब आते जाते आते जाते क्योंकि बस की इतनी कमी और सबको टाइम पर अपने अपने जगह पर पहुँचना एंड बस से मैं इन छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ और सोचती हूँ कि ये लाइफ कभी हमारी भी हुआ करती थी जो बहुत ज़्यादा अच्छी थी तो अभी हम पहुंच चुके हैं सियालदा स्टेशन एंड बिल्कुल ग्रीनरी से भरा हुआ है दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है एंड मैं कॉलेज जा रही हूँ एक महीने बाद क्योंकि फास्टिंग में ना नहीं जा सकती थी मैं आप इतनी दूर ट्रैवल बिना पिए बिना कुछ खाए खाए तो चलो ठीक है लेकिन बिना पिए आप नहीं जा सकते क्योंकि गर्मी में आपका गला सूख जाता है तो दूर की जो कॉलेज होते हैं ना उसमें आपके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी है नुकसान तो बहुत सारे लेकिन फ़ायदे ये है कि आपको अगर विंडो सीट मिल जाता है और कान पर ईयरफोन मिल जा मज़े ही मज़े हैं और अगर गलती से वेदर अच्छा हो गया तो फिर क्या ही कहना देखते ही देखते मैं पहुंच चुकी हूँ सॉल्ट लेक थोड़ी देर में मैं कॉलेज ही पहुंच जाऊंगी और कॉलेज जाने के बाद मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी इंटरव्यू से रिलेटेड कैसे इंटरव्यू आपको क्रैक करना है कैसे डील करना है सब कुछ बताऊंगी एंड देखो मैं अपने कॉलेज ब्यूटीफुल सा कॉलेज पहुँच चुकी हूं जो मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है आप लोग मुझे बताना कैसा लगा आप लोगों को मेरा कॉलेज दिखने में तो ये बिल्कुल न्यू है एंड ये मेरा पहला व्लॉग है इस कॉलेज में इससे पहले मैंने एक भी बार व्लॉग नहीं बनाया था यहाँ पर तोनीमा मैम जो दिख गई थी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड ये एंट्रेंस है अब मैं लेफ्ट से जा रही हूँ डायरेक्टली पहले वॉशरूम जाऊंगी क्योंकि गर्मी से हालत मतलब हाल ख़राब हो चुका है तो पहले वॉशरूम जाके फ्रेश हो जाते हैं सो नाउ आई एम इन द वॉशरूम और मैं यहाँ पे आई थी अपना हलिया ठीक करने के लिए क्योंकि घर से मैं कंफर्टेबली आ जाती हूँ गर्मी के टाइम में और आप क्या ही करके आओगे तो अभी इंटरव्यू है तो उस हिसाब से आपने आपको रेडी करना होगा एंड ट्रस्ट मी इंटरव्यूज़ में ना फोटी परसेंट काम आपका अपेयरेंस कर देता है क्योंकि लोग सबसे पहले आप का अपियरेंस देखते आपने क्या पहना है अच्छे शूज़ पहन लो साफ़ सुथरा कपड़ा पहनो कॉलर के बटन लगा लो अच्छे से शर्ट इन कर लो एंड थोड़े से अच्छे से रेडी होकर ही जाया करो तो ये बेटर ट्रूथ है बट इट इज़ रियलिटी एंड मेरे फेस से अभी तक पसीना रुक ही नहीं रहा है ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ ये है मेरा क्लास रूम रूम नंबर सिक्स एंड यहाँ पे कोई भी नहीं क्योंकि आज क्लास था ही नहीं आज सिर्फ कुछ लोगों का इंटरव्यू था तो मैं अपने फ्रेंड्स को ढूँढ रही थी वो लोग कहाँ पर है आ, मतलब जो लोग आज इंटरव्यू में आने वाले थे तो मैं उनको ही ढूँढ रही थी जो भी व्यूवर्स इस कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं या इस कॉलेज के बारे में कोई भी क्वाइरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डी कर सकते हैं मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी एंड कॉलेज यहाँ पे अभी तक पूरे अच्छे से रेडी नहीं हुआ है लेकिन काफ़ी हद तक बन चुका है एंड यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट रूम्स हैं लाइक एग्जामिनेशन सेल प्लेसमेंट डिपार्टमेंट कॉन्फ्रेंस रूम एंड कॉन्फ्रेंस रूम में आज हमारा वन टू वन टॉक है और मैं सेकेंड सेमेस्टर में हूँ तो मेरा इंटर्नशिप का आज इंटरव्यू है इंटरव्यू के लिए जो बाकी टिप्स है देखो पहले मैंने आपको बता दिया अपेयरेंस अपेयरेंस मैटर्स अलॉट इन इंटरव्यू मैं ऐसे कोई प्रो नहीं हूँ लेकिन जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस सीखा है और मैं खुद जो अप्लाई करती हूँ वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये काम करता है ठीक है तो दूसरा जो टिप है वो है आपको इंग्लिश स्पीकिंग क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देते हैं इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही देखा जाता है अभी मैं यहीं पे वेट करूँगी यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स मिल गए हैं मुझे ये सारे मेरे क्लासमेट्स हैं मैं इनके साथ अभी वेट करूँगी तो आपका इंग्लिश जो है ना बेसिक इंग्लिश सीख लो ताकि थोड़ा बहुत बात कर पाओ उतना ही काफ़ी होता है तो अभी देखो मैं इंटरव्यू देखे आ गई हूँ मैं बीच का शूट नहीं कर पाई क्योंकि इंटरव्यू के अंदर तो मोबाइल लेकर जा नहीं सकते थे एंड यहाँ पे मैं वापस जा रही हूँ जैसे इंटरव्यू दे ये वाला जो मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है क्यूट सा ग्रीन कलर का लगता है एंड यहाँ पे अंकल बोल रहे थे कि मैं हट जाऊँ आप अच्छे से कर लो वीडियो मैंने बोला नहीं आप बैठो कोई बात नहीं तो ये अभी मैं जा रही हूँ वापस घर एंड यहाँ का जो लोकेशन है ना ये मेरा फेवरेट है ये जो ये जो रोड है ना ये मेरा फेवरेट है मैं यहाँ से गुजरती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है रोज़ रोज़ यहाँ पर ना भीड़ नहीं होता और आराम से आप जाते हो और देखो थोड़ा थोड़ा वेदर भी अच्छा हो गया है थोड़ा थोड़ा क्लाउडी हो गया है वैसे पार्टली क्लाउडी हुआ है इतना ज़्यादा भी साफ़ नहीं है यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स देख के ना दिल खुश हो जाता है सच में एंड जो थर्ड टिप है इंटरव्यू का ठीक है मैं यहाँ पे अभी चाय पीऊँगी क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने बिस्किट और चाय ले लिया तो जो थर्ड टिप है वो है ये कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यूअर ये नहीं देखता कि आप क्या रिप्लाई कर रहे हो वो ये देखता है कि आप कैसे रिप्लाई कर रहे हो तो आप रेस्पेक्टफुल रहो अपने मैनर्स अच्छे रखो उनके साथ आई कांटेक्ट बनाए रखो एंड हाँ एक अच्छी सी स्माइल भी देना जेनवन वाली फेक स्माइल नहीं आई नो यहाँ पे मेरा एक दोस्त मिल गया था दीपक और मतलब ऐसा होता है ना कि नर्वस हो जाते हैं हम लोग इंटरव्यू के टाइम पर वहाँ पर ना स्माइल नहीं निकलता है लेकिन मेरा तो बिल्कुल नहीं निकलता फिर भी मैं स्माइल देकर बात करती हूँ कोशिश करती हूँ कि स्माइल दो अब बाकी मुझे नहीं पता तो फिर मैं वापस आने लग गई थी यानी यहाँ पे आप क्लाउड देख सकते हो कहीं कहीं धूप है कहीं कहीं क्लाउडी हो रखा है आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे प्लेसमेंट मिला या नहीं क्या हुआ तो मैं बहुत जल्दी अपना इंटर्नशिप ज्वाइन करने वाली हूँ तो मैं उसका भी ब्लॉग शेयर करूँगी तो अगर आप लोगों को देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग मेरे सारे वीडियोस देख सके मेरे थ्रू आउट एम बी ए जर्नी एम बी ए के बाद क्या क्या होती है सब कुछ आप लोग देख सको तो ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड ऐसे ही मेरे सारे वीडियोज़ देखते रहना एंड देखो मैं सुबह कोई प्रे कर रही थी कि बारिश हो अच्छा वेदर हो जाए एंड सच में इतनी अच्छी वेदर हो गई थी इतना तूफान इतनी बारिश होने लग गई थी लेकिन पह, मैं पहले घर आके ना पहले नहा लिया एंड फिर छत में मैं नहीं गई नहाने के लिए तो क्योंकि तबीयत खराब हो जाती एंड फिर मैं कर रही हूँ लंच वैसे तो ये मतलब मेरे लिए लंच है लेकिन स्नैक्स का टाइम हो गया था बट